नवाबगंज बना आपराधिक घटनाओं का अड्डा, पैनी नजर संस्था ने उठाए सवाल। बरेली नवाबगंज में घट रही लगातार आपराधिक घटनाओं के चलते पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार ने सौंपा एसएसपी बरेली को ज्ञापन। सुनीता गंगवार ने कहा कि नवाबगंज में एक महीने के अंदर लगातार कई बड़ी आपराधिक घटनाएं घटी है। थाना हाफिजगंज क्षेत्र में पड़ी डकैती और उसके अलावा कई हत्याओं की घटनाएं हो चुकी है। अभी ग्राम मेरा नाम है एडवोकेट सुनीता गंगवार, मैं पैनी नजर सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज मैं नवाबगंज में एक महीने के अंदर तमाम बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाएं घटी हैं, उस संबंध में एसएसपी महोदय को ज्ञापन सौंप रही हूँ संस्था की तरफ से कि आखिर क्या वजह है जो एक महीने के अंदर नवाबगंज हॉटस्पॉट बना हुआ है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की ये ढील भी है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और साथ ही पुलिस प्रशासन की कई घटनाएँ ऐसी गतिविधियाँ रही हैं जिससे ये साबित होता है कि नवाबगंज पुलिस प्रशासन दलाली का केंद्र बना हुआ है। क्योंकि रिसेंट में अभी एक नाबालिग लड़की का केस चल रहा है, जो नाबालिग लड़की जो है उसको लड़के भगा कर ले गए, ये उसके माता पिता हैं, और इन्हें नाबालिग लड़की जो है 2 तारीख की ये घटना है, 2 मई की है ये घटना, और 9 मई में रिपोर्ट दर्ज की है, और उसके बाद से अभी तक कार्यवाही लड़कों के खिलाफ नहीं की गई है। उस लड़की को तो बरामद किया है, जब मैंने प्रार्थना पत्र से संस्था ने सौंपा है तब इन्होंने बरामद किया है, और बरामद करने के बाद आज 5 दिन हो गए। बृहस्पतिवार को लड़की बरामद हुई थी, तब से अभी तक नवाबगंज थाने में है लड़की, ना तो उसका मेडिकल किया गया है ना ही उसका वो किया गया है, बयान हुए हैं। इसका मतलब है कि उस लड़की के, नाबालिग लड़की के 1.5 महीने रह गए हैं बालिग होने में। पुलिस समय काट रही है कि किसी तरह ये बालिग हो जाए और इसका मामले को रफा दफा कर दिया जाए, और बराबर जिन लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है वो लड़के बराबर थाने में आके लड़की से संपर्क कर रहे हैं, उसका पूरा परिवार संपर्क कर रहा है, खाना खिला रहे हैं, ये चल रहा है। मैं रोज संपर्क कर रही हूँ वहाँ की दरोगा से और पुलिस प्रशासन से कि क्या हुआ, उसको आपने उसमें भेजा कि नहीं भेजा मेडिकल के लिए, तब से आज तक आज बोला है कि मेडिकल के लिए भेजेंगे। मतलब 24 घंटे से ज्यादा आप पुलिस अभिरक्षा में नहीं रख सकते हैं। आज 5 दिन से वो लड़की पुलिस अभिरक्षा में, ये आखिर चल क्या रहा है नवाबगंज थाने में। और उसके अलावा इसी एक महीने के अंदर डकैती पड़ी है हाफिजगंज थाने में, और जो जरेली कांड हुआ है वो बिल्कुल चंबल की घाटी बन गया है, और उसके अलावा अभी एक गांव बाकरगंज में गोली चली, उसमें एक व्यक्ति मर गया है। आखिर एक महीने के अंदर इतनी भयंकर भयंकर घटनाएं घटने के बाद भी इसका मतलब है कि दबंगों के अंदर पुलिस का कोई डर नहीं है। पुलिस दबंगों और दलालों के साथ साठगांठ कर रही है, इसलिए पुलिस प्रशासन से कोई डर नहीं है और समझते हैं कि पुलिस में ले देके हम छूट जाएंगे, और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं एसएसपी महोदय से कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर बदलाव करें या पूरी सस्पेंड करें नवाबगंज थाने को। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।